टू टेस्ट दिस स्विंग लोसिकली टीपी लो लेके अगर, bounce आ, अगर ये bounce करके sustain करता है, तो फिर से यह रेंज एक्टिव हो जाएगा सो ऑल वी आर लुकिंग फॉर इस्व पॉइंट फाइव फॉर टूमोर सो नाव ऑन द डेली टाइम अभी नाव ऑन द डेली टाइम फ्रेम वी आर एट दिन काउंट तो तीन चार दिन और है टू फेल द काउंट कंसोलिडेशन 15 20 15 60 ये काफी अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा है लोअर लेवल्स लाइक दिस एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग नाउ राइट सी सपोर्ट पे यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है थिंक लाइक दिस यहाँ पे सपोर्ट है इफ सपोर्ट इज देय सपोर्ट पे कौन होगा बायर्स होंगे अगर सपोर्ट पे बायर्स है और सेलर बार बार वहां पे आ रहा है और ऊपर जा रहा है राइट इफ प्राइस इज अगेन एंड अगेन बाउंसिंग फ्रॉम दैट आपको सपोर्ट के ऊपर यू शुड गेट सम वॉल्यूम एक्टिविटी जैसे यहाँ पे है यहाँ पे है अब क्या हुआ वेयर आर माय बायर्स और वेयर आर माय सेलर्स नीदर ऑफ देम एबल टू पुश एनीथिंग राइट ये होता है आपका कंप्लीट वोलेटिलिटी स्क्वीज और इसके बाद जहां पे भी फटेगा इट विल रन लाइक एनीथिंग बट अभी टाइम है फटने के लिए और आज इंट्राडे में इफ यू सी दिस टू बार्स इट्स अ कंप्लीट हॉल बिटवीन दोस टू दो हॉल बिटवीन फिफ्टीन सेवेंटी फिफ्टीन थर्टी सो अगर कुछ बड़ा मूव आता है तो फॉर हायर टाइम फ्रेम्स दिस रेंज विल एक्ट एज वैल्यू एरिया जोन फॉर हायर टाइम फ्रेम्स तो पता है आपको वैल्यू एरिया जोन पे फर्स्ट टाइम जब भी प्राइस आता है क्या होता है तो अकॉर्डिंगली रिमेंबर हायर टाइम फ्रेम्स के लिए नॉट फॉर द 15 मिनट्स और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड एज सुन एज इसने ये क्रॉस किया जिसके पास मोमेंटम खत्म हो गया फॉर्म दिखता है लोकल एस बट इट्स नॉट सो देर इज नो रिवर्सल एक्टिविटी गोइंग ऑन एज ऑफ नाउ तो कल हम लोग इसको वेट पेशेंटली वेट करेंगे एंड देन वी विल सी नेक्स्ट इज योर एज आई सी आई बैंक सो हमने बोला था गैफ फिल हो गया है ना अभी ये वॉच एंड वेट एंड वॉच के मोड में है तो एज यू कैन सी ये नीचे आया और इसने एग्जैक्टली exactly ये लेवल पे जाके क्लोज किया है ना आफ्टर मूविंग दिस राइट आफ्टर मूविंग आउट ऑफ दिस पीओएस एस द डाउन साइड टारगेट ऑफ फाइव एटी फाइव फाइव सेवेंटी एंड फाइव सिक्सटी ओपन अप So, अभी अगर ये कल फिर से नीचे जाने का कोशिश करता है तो फर्स्ट लेवल वेर इट कैन फाइंड सपोर्ट इज योर फाइव एटी फाइव और अगर आपको यहाँ पे कहीं अपॉर्चुनिटी मिलता है टू शॉर्ट दिस अगर मिलता है तो आई एम नॉट सी इट्स बेरिश बिकॉज रेंज ब्रेक करके वापस रेंज में घुस रहा है और डेली बॉटम के पास में है विथ डिक्लाइनिंग वॉल्यूम दिस कैन बी द टेस्ट फॉर द सेलर्स पॉसिबिली ओके सो रिमेंबर फाइव एटी फाइव ऊपर जा रहा है फिलहाल के लिए आई एमिशन अभी के लिए मुझे जो सिग्नेचर्स वॉल्यूम सिग्नेचर्स मिल रहे हैं दैट इज योर एंड ऑफ पुल बैक सिग्नेचर्स देर आर हाई चांसेस के ये पुल बैक एंड करके रेंज को अपसाइड ब्रेक करेगा एंड दैट्स वाई ऑन द डेली टाइम फ्रेम आई है

ऑन दिस के हमको ये नाइनटीन सिक्सटी नाइनटी अगर क्रॉस होता है तो यहाँ पे हम पोजिशन एंट्री देख सकते हैं और इंट्रा डे के लिए हमारा 1990 का टारगेट था बट इंस्टेड ऑफ दैट ये ओपन होते ही नीचे की तरफ स्लाइड कर गया विद इन फर्स्ट मिनट्स इट ब्रोक द प्रीवियस डे लो तो कोई चांस नहीं था बट इफ यू सी क्लियरफुली आफ्टर ब्रेकिंग दिस ये पूरे बार के अंदर ही उसने हॉल्ट कर दिया है एंड ऑल्सो एट द डेज लो इट फॉर्म अ वैल्यू एरिया जोन एज वेल

तो वहां पे ही वैल्यू एरिया जोन बनना विथ लेस वॉल्यूम एक्टिविटी एंड ऑल सो इसको थोड़ा ये वीक में एक साइड लाइन में रखो नजर में क्योंकि जिस दिन भी मूव देगा ये गंदा मूव देगा कब देगा वी डोंट नो बट ये एक मूव देगा तो जरूर अपसाइड दिया तो बल्ले बल्ले डाउन साइड दिया तो मे बी आई कैन लिव दैट ट्रेड बिकॉज आई एम स्टिल बुलिश ऑन द कोटक बैंक ओके सो नाउ अगेन अभी ये सिंस द प्राइस हैज कम डाउन

सॉरी आफ्टर एस बी आई एन एस बी आई एन रिकवर वेरी वेल गुड सो यहाँ पे हमने बोला था कि आईलैंड प्ले बो वीव टू सी दैट एंड इंपोर्टेंट लेवल दिया था नीचे गया एंड इसके बाद तो वन वे रैली दिया है टिल द बॉटम ऑफ द रेंज ओके ट बॉटम ऑफ द रेंज सेन का था एंड टू डेज ले लोवर्स और जो हायर टाइम फ्रेम डेली का रेंज है इसने एंड में रिजेक्शन दिया है लोअर बाउंड्री ऑफ द रेंज सेवन फिफ्टीन से दिया है एंड योर आईलैंड प्ले इज ओवर नो जो बेरिश ने था स्टॉक में ड्यू टू द आईलैंड रिवर्सल आईलैंड प्ले नॉट रिवर्सल वो खत्म हो गया है ओके ना ऑफ जिस हिसाब से इसने मूव किया इन द वे वी आर गेटिंग द वॉल्यूम सिग्नेचर्स द टेस्ट फॉर द सेलर्स इज नीडेड बिफोर दैट इट कैन नॉट गो तो अगर ऊपर भी भागता है बी कॉशियस ये डिप करके टेस्ट करने आएगा और फिर निकलेगा या फिर ये स्लोली स्लोली जाएगा स्लोली स्लोली आके टेस्ट करके जाएगा सो योर टेस्ट इन दिस केस विल लुक लाइक अ पुल बैक याद रखना है सेलंग, सेलिंग को एक बार टेस्ट करने आएगा जरूर ओके सो जस्ट कीप इन इन माइंड इसमें अगर मुझे चांस मिला तो आफ्टर ब्रेकिंग दिस पीओएस ऑन द डेली मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है बट आफ्टर ब्रेकिंग दिस पीओएस एंड द रेंज मैं यहाँ पे पोजिशन बनाने के लिए तैयार हूँ सो माई लेवल इज समवेयर अराउंड सेवन एटी ऑड लेवल एस बी आई एन

ठीक है तो एग्जैक्टली फ्रॉम द सेकेंड टारगेट ना अभी ये एक ऐसे सिचुएशन पे है ऑन द डेली टाइम फ्रेम जहां पे इट ब्रोक द कंसोलिडेशन रेंज बट नीचे सपोर्ट है राइट सो ऊपर से सेलर होगा और नीचे से बायर वेट कर रहा होगा इन दैट सिचुएशन हमको दोनों साइड का व्यू ये स्टॉक में रखना होगा जिस स्टॉक में दोनों साइड का व्यू है अनलेस एन एंटेल व्यू क्लियर नहीं होता है किसी एक साइड को हम स्टेप नहीं कर सकते हैं

ये यह जो यहाँ पे दिख रहा है ये लास्ट वीक का पूरा हाई कंसोलिडेशन एरिया दिस वन तो 392 के ऊपर अगर डेली क्लोज आता है तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये 410 के अपर टारगेट्स के लिए फोर टेन के अपर टारगेट्स के लिए जाएगा एंड वंस दर टारगेट इज दिस वन एंड वंस दिस 410 का अपर टारगेट क्रोसेस ये अपना शायद मूव कंटिन्यू करेगा या फेकआउट करेगा वो एनालिसिस करना पड़ेगा ठीक है बट एज ऑफ नाउ इस पे मेरा अभी फिलहाल पर्टिकुलरली कोई पर्टिकुलर है ना जजमेंट नहीं है बिकॉज द वॉल्यूमसो लाइक वेरी क्रेजीली लो सो प्ले हाउ द थिंग्स प्ले आउट इन दिस वन आई एम एक्सपेक्टिंग कुछ अच्छा मूव दे ऊपर के साइड पे ओके एंड दिस थ्री सेवेंटी फाइव के नीचे डेली क्लोज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इफ एनी वन ऑफ यू इज वेरी रिस्क टेकर तो आप क्या करो यहाँ पे 375 के एस के साथ में यू स्टार्ट बिल्डिंग योर कैश पोजिशन दो तीन महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से 375 के एस के हिसाब से स्लोली स्लोली एड यू नो टू स्टॉक्स थ्री स्टॉक्स टेन स्टॉक ऐसे करके स्लोली स्लोली इसको एड करना चालू करो एंड जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा एंड देन स्टार्ट ट्रेडिंग विद द बिग थिंग्स बिग क्वांटिटी सो दैट्स योर एस बी आई एन नाउ दिस इज योअर बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज ओपन होते ही लो को ब्रेक किया सो यू सी द जोक विच इज हैिंग इन बैंक निफ्टी यस्टर डे अपर बाउंड्री से रिजेक्ट होता है देन नीचे आके एक ट्रैप बनाता है दिस एट द लोअर बाउंड्री और फिर से ऊपर जा रहा है एंड ऑलमोस्ट रेंज के हाफ पे पहुंच चुका है दिस इज समली गोइंग ऑन इन दिस वन ओके सो रिजेक्शन फ्रॉम द लोअर बाउंड्रीज है एंड वैल्यू एरिया जोन बनाया है आज ये वाला जो आज का लो एरिया इट्स अ वैल्यू एरिया जो पॉसिबिलिटी ऑफ लोकल एस एन आर ऑन आर्ली टाइम फ्रेम थर्टी मिनट्स टाइम फ्रेम इज गुड ओनली प्रॉब्लम इज वॉल्यूम कम है तो हमको लोकल एस एन आर के लिए उससे भी कम वॉल्यूम चाहिए जिसके चांसेज ऑलरेडी कम है सो लेट्स थिंग्स प्ले आउट टूमोरो इट सेल्फ वी विल नो वॉल्यूम्स uh, एक्सपांड नहीं हुए व्हेन द प्राइस केम एट बॉटम आपके वॉल्यूम्स एक्सपांड नहीं हुए नीदर इन फ्यूचर्स द वॉल्यूम्स आर एक्सपांडिंग मींस सेलर्स आर नॉट पुशिंग हार्ड इनफ इसीलिए बायर इजीली प्राइस को वापस रेंज के अंदर लेके गया है ओके सो बेसिकली माइट बी यू नो पॉसिबल है कि सेलर भी रेंज प्ले कर रहा होगा बिकॉज ये ग्रीन लाइन मैंने ग्रीन बॉक्स बना के रखा है Uh, in case if I you know need to extend my range, range adjust करना होगा तो, तो we'll wait for one day. अभी हमारा जो lower boundary है it is 35, uh, अगर range काम करने का range extend करने का काम पड़ा तो फिर हम यहाँ पे इसको extend करेंगे we'll wait for a day. Tomorrow क्या होता है ये fifteen thirty five thousand का level hold करता है कि नहीं करता है उसके basis पे we will do. Okay.

फ्यूचर्स का एक मेजर्ड मूव था मेजर्ड मूव सेटअप के हिसाब से या यहाँ से चालू करना था नॉट फ्रॉम हियर क्योंकि यहां से नहीं किया है एक तो यहां से किया है या फिर यहां से किया है एंड देन इट वॉज योर वन इज टू वन सेटअप सो वन इज वन के टारगेट हिट हो गया एस एज द टारगेट गॉट हिट एक्सपेक्टेशन था प्राइस बाउंस करेगा बिकॉज नीचे आने के बाद में वॉल्यूम्स वे आर नॉट एक्सपांडिंग सेम एज बैंक निफ्टी, ओके वो था एक ये रेड कलर का टारगेट भी आ रहा था एंड ये जो दिख रहा है आपको द हाई एंड द लो इसके आपके फेबोनाची रेशियोज है एंड नाउ ये फेबोनाची रेशियोज में कौन सा रेशियो एक्टिवेट होता है कौन सा रेशो सेलर्स को बुलाता है दैट वी विल नो सो ये तीनों डिजिट्स 15000 15075 15150 ये सब 70 75 पॉइंट्स का डिफरेंस है सो so ये तीनों लेवल्स जिस भी लेवल से रिजेक्ट हो रहा है यू जस्ट वेट यू डू नॉट सेल देयर यू जस्ट वेट एंड वॉच ओके सेकेंडली इफ यू ऑब्जर्व द काइंड ऑफ मूव दिस वाज अ मेजर मूव कैलकुलेटेड मूव था ये इसीलिए एग्जैक्टली टारगेट आते ही टर्न किया है द रेड वन इज योर टारगेट एग्जैक्टली टारगेट आते ही उसने टर्न करने का कोशिश किया है फॉर्मिंग आई लोकल एस एन आर इन निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली देखना पड़ेगा पांच मिनट पे जाके लोकल है या नहीं है राइट right? तो यहां से अब ये बाउंस गया और ये जो रेशियोज आ रहे हैं आपको फिबोनाची के इफ यू एक्सटेंड देम ऑन द बैक साइड यू विल फाइंड दैट दिस लेवल्स आर एक्चुअली

सो so, अगर फेगोनाचीज भी आपके एस एन आस की तरह बिहेव कर रहे हैं तो जस्ट बी केयरफुल एट दिस नंबर्स। अगर ये 150 के ऊपर भी सस्टेन कर जाता है दैट विल कंफर्म दैट एंड ऑफ दुल बैक इज ओवर एंड नाउ द टाइम टू बिगिन द न्यू ट्रेंड ऑन द अपसाइड ओके सो देखो कंप्लीटेड मेजर डाउनसाइड साइड मूव हो गया फोर्टीन का अच्छा, देर इज अ टाइपो इन दिस वन फोर्टीन एट हंड्रेड का बी आर एन BRN एन थार एन गॉट दिस एंड शेकआउट किया है बिलो फोर्टीन एट सिक्सटी और अगर आपको याद होगा तो फोर्टीन एट सिक्सटी हम कल से देख रहे थे राइट आई थिंक इट वॉज फोर्टीन एट सेवेंटी फाइव फॉर स्पॉट आई कन्वर्टेड ऑल द नंबर्स इन टू फ्यूचर्स फॉर टूडे सो फोर्टीन एट सिक्सटी के नीचे हम लोग देख रहे थे एंड वहीं पे इसनेटीन एट सिक्सटी ब्रेक भी किया और वहां से मस्त बम्बू भी लगाया डिट गि पॉइंट्स बट लेकिन बम्बू बराबर लगाया होगा बिकॉज सी दिस काइंड ऑफ मूव टफ है ट्रेड करना ओके okay? सो so वो हुआ एंड नाउ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अनदर शॉर्ट टर्म नैरोज जो मैं बोल रहा हूं आपको यहाँ पे ऐसे कुछ करके स्ट्रक्चर बना दे दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी सो ये लेवल्स को यू वॉच केयरफुलिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड से दोज आर योर फिबोनाची रेशियोस थर्टी एट फिफ्टी सिक्सटी वन ओके सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो फिर इसके बाद हम लोग एक कोरिलेटिव एनालिसिस का टॉपिक कवर करते हैं